हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप यूडाइस पोर्टल पर जाकर के आपके यूडाइस के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आप यूडाइस के पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको किस तरह से आपके नए पासवर्ड आपको मिलने वाले हैं, तो वही आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2020-21 के लिए आपका यूडाइस का जो डाटा है वो ऑनलाइन फीड चल रहा है वर्तमान में। तो आप अगर आपके पासवर्ड भूल चुके हैं तो किस तरह से आपको रीसेट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर पर जाना है और आपको सिंपली यूडाइस टाइप कर देना है। और यूडाइस जब आप टाइप करेंगे तो आपको पहला ही जो आपको लिंक मिलेगा यूडाइस प्लस, जो पहला लिंक आपको मिलेगा यूडाइस प्लस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए देखते हैं, क्लिक हम कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यूडाइस की जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, वो आपको यहाँ पर इस तरह से इसका होम पेज आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो तीन तिरछी लाइनें हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नो योर स्कूल के नीचे आपको ये लॉगिन है, इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल डाटा कैप्चर के नीचे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे, और वो ऑप्शन है आपको लॉगिन फॉर स्टेट्स। यहाँ स्टेट्स के लिए आपको दिया हुआ है, सभी स्टेट्स के लिए आपको लॉगिन करना है। तो 2020-21 के लिए तो आपको इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक लॉगिन जो पेज है वो आपका हो चुका है, और आपका बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है यूडाइस प्लस, और आपका लिखा हुआ है डाटा कैप्चर 2020-21। तो यहाँ पर 2020-21 की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन होकर के आपको फिल आपकी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर हम पासवर्ड ही भूल गए हैं तो आप किस तरह से आपका डाटा फिल करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पासवर्ड को रिकवर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नीचे लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं, देखिए क्या आपको दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नई विंडो दिखाई देगी रीसेट पासवर्ड की, फॉरगॉट पासवर्ड की विंडो आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दो तीन डिटेल आपको यहाँ डालनी है। सबसे पहले आपका यूजर आईडी आपको यहाँ डालनी है। अब यूजर आईडी आपकी, आपके जो विद्यालय के यूडाइस कोड आपके होते हैं तो यहाँ पर आपको यूडाइस कोड डाल देने हैं। इसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके संस्था प्रधान महोदय हैं उनके आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा जो है वो ये कैप्चा आपको डाल देना है। डाल करके आपको नीचे सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ आपको इतना काम करना है, जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और रजिस्टर्ड मेल पर आपको एक मैसेज मिलेगा, और उस मैसेज में आपको आपके जो नए पासवर्ड हैं वो आपको मिलेंगे। वहाँ पर उन पासवर्ड की सहायता से आपको यूडाइस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप चाहें तो आप आपके हिसाब से नए पासवर्ड भी वहां पर सेट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम यूडाइस फिल करें, सारे डिटेल हम यूडाइस की किस तरह से फिल करें ऑनलाइन माध्यम से, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी एक या दो वीडियो के माध्यम से आपको यूडाइस के बारे में जानकारी दे सकूँ। मिलते हैं।